विपक्ष के नेता का जो भूमिका होनी चाहिए वो तो वो करते नहीं हैं। जब बाढ़ आई बिहार में तो विपक्ष के नेता विदेश घूम रहे हैं, देश में भी नहीं थे, राज्य की बात तो छोड़िए। अब यात्रा कर रहे, इस यात्रा से एनडीए के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर कहा यह जा रहा है कि 2 सीट जदयू को दी जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कितनी सीट पर लड़ेंगे, एनडीए के घटक दल कितनी कितनी सीट पर लड़ेंगे। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। लेसी जी, तेजस्वी यादव फिर से दोबारा कल यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, कैसे देखिएगा? देखिए, विपक्ष के नेता का जो भूमिका होनी चाहिए वो तो वो करते नहीं हैं। जब बाढ़ आई बिहार में तो विपक्ष के नेता विदेश घूम रहे हैं, देश में भी नहीं थे, राज्य की बात तो छोड़िए। अब यात्रा कर रहे, इस यात्रा से एनडीए के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि हम अपने लोगों से मिलेंगे, तो वो लोग तो सीमित है अपने लोगों में, अपने परिवार में, तो अपने तक सीमित है, वही यात्रा है उनका। विधायक भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से अब लालटेन उठाएंगे। छोड़िए ना, उनका उनके कहने पर हम लोग क्या बोले, अपना अपना विचार है, लोग बोलते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे नेता और एनडीए की सरकार पर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कहा यह जा रहा है कि 2 सीट जदयू को दी जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कितनी सीट पर लड़ेंगे, एनडीए के घटक दल कितनी कितनी सीट पर लड़ेंगे, लेकिन वहाँ तय है कि हम लोग जनता दल यूनाइटेड एनडीए के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मांग कितने सीटों की है? नहीं, ये तो नेतृत्व तय करते हैं, मीटिंग होती है, शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं, बैठक करते हैं। गिरिराज सिंह भी हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, अंतिम यात्रा जो है उनके सीमांचल में भी होगी, ऐसे में इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो उनका निजी यात्रा है, इससे क्या, इस पर क्या बोलना है। बहुत लोग, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई आम आदमी निजी यात्रा कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। तो क्या हिंदू एकजुट नहीं है? अरे देखिए, एकजुट है कि नहीं है ये सवाल नहीं है, ये निजी कार्यक्रम कोई भी कर सकते हैं, उसके लिए किसी पर रोक नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, मुकेश सहनी के द्वारा जो सहनी समाज है उनको साधने की कोशिश की जा रही है, ऐसे मुजफ्फरपुर में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपने समाज के सरकार बनाने की बातें की है। देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से लोगों के बीच जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन एनडीए की सरकार मजबूती से काम कर रही है बिहार के लोगों के लिए, हर तबके के लिए, और आने वाली चुनाव जो है 2025 का आम चुनाव, उसमें बिहार में एनडीए की 2/3 बहुमत से हम लोग जीतेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम लोग। देखिए, बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह थी, तेजस्वी यादव की यात्रा को देखते हुए जमकर निशाना साधी थी, वहीं असाफ कहते हुए नजर आए थे कि इनके यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे में सब अपनी समाज की बात करते हैं। मुकेश सहनी ने जिस तरीके से अपने समाज के मुख्यमंत्री या फिर सरकार बनाने की बातें की, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे, वहीं जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, यात्रा किए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कह रही थी मंत्री लेसी सिंह आपने सुना है। ऐसे में नीतीश कुमार को लालटेन देने की जिस तरीके से बातें हो रही थी, लालटेन पकड़ने की बातें हो रही थी, उसको लेकर भी भाई वीरेंद्र को निशाने पर लिया है लेसी सिंह ने। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है झारखंड चुनाव को देखते हुए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।